सबसे पहले तो मैं अपने उस परमात्मा, अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने संत बाबा हरिदास को अपने हृदय से नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मेरे को एसलिपिस का प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद मैं सम्मान करती हूँ अपने वहां संजीव गुरु जी का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट का निर्माण किया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगी अपने जोगेंद्र गुरु जी का, अपने अजीत गुरु जी का, अपनी गुरु मानिता मैडम का, जिनकी डायरेक्शन, जिनकी ज्ञान से आज मैं यहाँ तक पहुंची। देखो सभी को पता है अपनी जो नींव है वो प्रोडक्ट है, और आयुर्वेद की अगर बात करें तो कुछ लोगों के पास जो प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, तो उनका ये मानना है ना हम तो ठीक है। अगर ठीक कैसे रहेंगे आप सभी ने थोड़ा सा मैं दो शब्द बोलूंगी, क्योंकि एक मैं जमींदार की बेटी हूँ, एक किसान की। 50 किलो गेहूं को बोया जाए तो उसके अंदर 50 किलो अगर गेहूं को बोया जाए तो उसके अंदर DAP यूरिया और ऊपर तारा का सप्रे 3 गुना जहर मिलके गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। अरे अगर घिया तोरी की, अगर फलों सब्जियों की अगर बात करें तो उसके अंदर भी इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर एक अमूल दूध की बात करें तो उसके अंदर भी एक जहर डाला हुआ है, और फिर बोलते बोले हम ठीक है। पहले की अगर मैं बात करूं तो जीवन में 8 अटैक के 3 चांस मिले थे। अगर मैं आज की बात करूं तो 8 फेलोशिप दे दो, 1 चांस भी नहीं मिलता। उसका कारण है अब खान पान को जितना जहरीला है जो हमारे शरीर के अंदर जा है। तो महासंजीव गुरु जी ने जो इतने आयुर्वेद में जो प्रोडक्ट तैयार करे हैं, देखो ऐसा नहीं हमारे शरीर में दिक्कत हम इसलिए ले, हमारे जीवन में मैं हजारों बीमारियों से बचूं, लाखों रुपए मेरे भविष्य में डॉक्टर का ना लगे, इसलिए आयुर्वेद को लेना चाहिए। और जो MBBS डॉक्टर, मैं मानू परमात्मा का रूप हो MBBS डॉक्टर, पर MBBS डॉक्टर के भ्रम टूटे आ रहा आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर। मैं बात करूंगी अपने प्रोडक्ट की, छोटे से छोटे एक प्रोडक्ट की। अगर मैं डेंटो की भी बात करूं तो मेरी नंदी गल से स्वीटी मैडम है, जिनके बेटे का गले में टॉन्सन था, डॉक्टर ने पेशेंट बोल दिया था, और मात्र मेरी एक डेंटो के माध्यम से उनका, मतलब जो एक पानी पीता भी रोवा था, राणा के बट खूना हुआ था, 1 हफ्ते में उसका बाजरे की रोटी खवा दी, जो एक मेरा डेंटो का रिजल्ट था। अगर मैं बात करूं एक गायनाडॉग की, डॉक्टर 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 के दिल में भरम रहा है, वो डॉक्टर का भरम मेरी गायनाडॉग ने तोड़ा था, जो खुद MBBS डॉक्टर नहीं MD था, 22 साल शादी को हो गया था, 18 लाख रुपया लग लिया था, ऑस्ट्रेलिया की जा रही था, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, और बेबी टू टेस्ट भी फेल हो गई थी, मात्र मेरी 2 महीने की गायना था, अब बेटा हो रहा है उसका। और सभी ने पता है अपना जीवन ही लीवर पर डिपेंड है, लीवर का तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया महासंजीव गुरु जी ने, इसके बारे में मन इतना घमंड है अपनी लीवर पर, जड़े 70-80% लीवर डैमेज हो जा, और डॉक्टर आठा दे कहेगा समय 4 दिन का रह गया, अगर मेरी लीवर ना पीला तो मैं 40 साल ना मरण दू। और मैं कलावड़ गांव की बेटी हूँ, कलावड़ गांव से मेरे साथ रेखा मैडम जो आज सफाई रैंक पे है, वो बाउंसर था उसका देवर, और जो घुटनों का ऑपरेशन उसके डॉक्टर ने बोल दिया था बाउंसर था। तो रेखा मैडम मेरे को, वैसे मैं घाटी से सफर करते जीवन में, पर पहला जो मेरा उसका निर्णय एक ऑटो में हुआ था, तो ऐसे ही दर्द की बात चाल की थी, बोली जयपुर गोल्डन में 2.5 लाख रुपए लगा रखे, उसका ऑपरेशन बोल रखा है। तो मैंने अपना जो बोलना सीख रहा, मैं मेरी थंडर ब्लास्ट को एक बार पी के देख लेगा, देख मैडम कटना पटना हो थारी मर्जी है, पर एक बार विश्वास करके मेरे थंडर ब्लास्ट के प्रोडक्ट को यूज करवा। कलावड़ की बेटियों को वाशिया पढ़ने में घर है, जिस बाउंसर का ऑपरेशन बोला था ना, उस थंडर ब्लास्ट ने मात्र 1 हफ्ते में भगना करवा दिया था, उस टांग का सुन ले क्या अपनी माँ देखे वहां इसका क्या था इस प्रोडक्ट में जो मेरा इतना आराम होगा। आज रेखा मैडम मेरे साथ काम कर रही है कैंसर की जॉब को छोड़कर। और अगर मैं बात करूं अपनी क्वालिफिकेशन की, मैं ओनली 8वीं पास हूं, पर परमात्मा ने मेरे को असली फीस दी, जब मैंने चलना बंदों से मिलना शुरू करा तो मेरे साथ IPS IAS की बेटी मुग्धा, जिसका बेटा प्रियांक किशोर अंडिया में 23 साल की उम्र में IAS बना है, बड़े बड़े पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर आज मेरे साथ है। और मैं देखो मार्केटिंग 2 ढाल के बंदे करते हैं, जिनके सपने करोड़ों के हैं या कोई मजबूर है। मैं मजबूर थी, जो मैं बिजनेस में आई थी, मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी। मैं 16 साल से अपने पिता के घर पे रहती हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं, और सब ने मेरा पिता के घर पर रहा था। वैसे तो मैं
मेरे पिता ने मेरे को इतना सुख इतना सहारा दिया, मैं डेढ़ टन कैसे सुहा करती, मैंने सुख दुख का कभी पता ही नहीं लगा। पर मेरी भाभी की मेरी अनबन हुई, मैं अलग भी हुई। और मेरे को एक भरम था जो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भरम वो बेटी बचाने पढ़ाने का मेरा सारा टूटा था। बाबा मस्तनाथ के अंदर मेरी थोड़ी सी सिफारिश थी डॉक्टर मारकंडे थे, जड़ मैं एक पीएन की जॉब के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि मैंने इतने चक्कर काटने पड़ जाएंगे। एक पीएन की जॉब के लिए मेरे तो मारकंडे डॉक्टर ने और रेणुका चौधरी ने 6 महीने चक्कर कटवाए इस अभिलाषा में कि आज नहीं कल। और मैं सुबह 10 बजे जाकर बैठा करती, शाम के 4 बजे आ करते। आज कल मैं उन्हें मेरे 6 महीने काट दिया, मैंने लैब का काम सीखा, पर मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली। भरम जिस दिन टूटा, मैडम बोली मैडम आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है बेटा, मैं तो 8वीं पास हूँ। बोले बेटा 10वीं पास होना चाहिए। जब मैंने 1 साल के बाद ओपन था 10वीं की सन तैयार करवाई, तो उसके बाद मैंने पता चला था पीएचडी होल्डर वाले के डी ग्रुप के फार्म भरे तो मेरा नंबर खड़ा था। एक मिनट रुक जाओ, जिस मस्तनाथ के अंदर देखो बाबा मस्तनाथ के अंदर मैं संत बाबा हरिदास की भक्त हूँ। झाड़ो देवाले हैं मस्तनाथ, संत बाबा हरिदास दोनों एक टाइम के संत हुए थे। और मैं मस्तनाथ के उसमें जाया करती तो मैं हमेशा अपने भगवान हरिदास से कहा करती कि मैं तेरे इतना मानू, मैंने कागज पाकड़ पाने की भी नौकरी नहीं मिली, पर मन ने नहीं मेरा था, मेरा भगवान हरिदास ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। उसी में हताश होकर इधर मैं अपनी सूट वाली चाची के पास गई, मगर चाची ने बोली बेटे तेरे नौकरी मिल गई। मैं उस दिन इतनी रोई थी, मगर चाची मैंने कुछ भी नहीं, मेरा सारा भरम टूट गया। मन ने नहीं पता मैंने कुछ मिला का नहीं मिला, तो उसने दवाइयों का काम बताया था। और दवाइयों का काम बताने के बाद देखो बिजनेस बड़ा नहीं है, विश्वास आना विश्वास दिलाना ही बिजनेस है। मैंने प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया, उस पर विश्वास लिया और मैं बिजनेस में चली। जिस मस्तनाथ के अंदर मैं 5700 की जॉब के लिए घूम रही थी, उसी मस्तनाथ के अंदर मेरे अजीत गुरु जी ने प्रोग्राम कराया और उसी मस्तनाथ के अंदर मेरे सर पर पगड़ी रखी थी महीना 50,000 रुपए। अगर मैं बात करूं स्टार सफायर के लेवल की, इस पर 13 लाख इनकम है जो मैंने 1 साल में कंप्लीट करा है। इसकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो 1,10,000 रुपए भी ना 12 भी ना तो डिवाइड करा था। और एक गांव की बेटी हूं, कभी जीवन में सोच नहीं थी कि भी मैं कभी कोई टूर भी घूम लूंगी, पर भगवान हरिदास ने ऋषिकेश मनाली अमृतसर नेपाल थाईलैंड, अपने खानदान की पहली बेटी हूं जो दुबई अचीवर मलेशिया अचीवर। और गांव के अंदर बैठ, गांव के अंदर जिस तरह अपने पगड़ में सोते हुए ऊपर तक जान देखा करके, जीवन में कभी इसमें बैठने का भी मौका मिल जाएगा। ऐसी इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद में 3 बजे जहाज में बैठ ली। और मैं कृष्णा स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करूं, अगर मैं अपने डायमंड रैंक की बात करूं तो डायमंड रैंक को मैं 9 महीने के अंदर कंप्लीट करूंगी। और 9 महीने की जो रैंकिंग कम होगी 5 लाख मां संजीव गुरु जी, 12.5 लाख लेवल और 9 लाख फेर, 9 महीने में 27.5 लाख मैं कमाऊंगी। और इसका श्रेय मैं अपने परमात्मा को जिनके आशीर्वाद से मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, अपने महा संजीव गुरु जी को जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और अपने जोगेंद्र गुरु जी को अजीत गुरु जी को अपनी गुरु मानिता मैडम को जिन्होंने मेरे को डायरेक्शन दी। धन्यवाद सभी।